चैनल टिप्स एंड ट्रिक में, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको समय समय मिलते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा पिछला एक वीडियो आया था GTA 5 का, जो कि आपने देखा ही होगा, और देखा तो है पर आपने लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब तो किया ही नहीं है, तो सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आपने वो वीडियो देखा कि मैंने पिछले वीडियो में GTA 5 का जो डाउनलोड करने का मेथड है वो मैंने बताया था, वो था मेथड 1। उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अभी मैं कुछ दिनों बाद मेथड 2 लेके आ रहा हूँ, वो है आज का इस वीडियो में। तो पिछले में क्या था कि अपने को छोटी फाइल 9 MB की, बस जस्ट GTA 5 की जो फाइल है उसको डाउनलोड करना था, उसको ZRCU के द्वारा डीकम्प्रेस करना था। वो कंप्रेस्ड फाइल थी, उसके अंदर आपको डीकम्प्रेस वापस करके अपने फ़ोन में वापस उसको बड़ा करना था और GTA 5 चलाना था। आज मैं आपके बात अक्सर बात करने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। सेकेंड मेथड आ चुका है जिसे आप डायरेक्टली GTA 5 डाउनलोड कर सकते हो। एक साइट आपने देखी होगी, कौन सी वो साइट थी, play.mob.org, जिससे आप GTA के या फिर मोस्टली जो प्ले स्टोर पर पैसे लगने वाले गेम थे वो सारे उस पर play.mob.org पे फ्री में मिलते थे। पर अभी क्या कुछ समय से ये हो रहा है कि उस पर लगभग 90% जो गेम थे वो सारे हटा दिए गए हैं, पता नहीं किस कारण से, अभी तो हमें पता नहीं। इसके लिए मैंने एक दूसरी साइट खोज निकाली है जिससे आप GTA 5, GTA जितने भी गेम है और अदरवाइज कोई भी गेम आपको पसंद आए वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सेम उसी साइट की तरह ही ये साइट है, तो इसके अंदर GTA 5 ईजिली डाउनलोड कर सकते हो बिना कुछ मेहनत के, और डायरेक्ट आपके फ़ोन में चलेगा। ना आपको ZRCU डाउनलोड करना, ना आपको डिकम्प्रेस करना है, ना कुछ और, डायरेक्ट डाउनलोड करो और चलाओ। ये मेथड सेकंड है। तो अभी ये वीडियो आपको कैसा लगता है इसके लिए लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, नीचे रेड बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास में जो बेल बटन है उसको दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए, और मैं आगे का प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, और इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते हुए स्किप करोगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं मेरे अभी मोबाइल स्क्रीन पर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह GTA 5 डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अपने ब्राउज़र में जाना है और एक साइट ओपन करनी है जो मैंने अपने होम स्क्रीन पर लगा रखी है। तो GTA नाम से जो आप देख रहे हैं वो मेरे होम स्क्रीन पर लगा रखी है, और इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस साइट पर जा सकते हो। तो चलिए मैं आपको साइट ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं ये साइट ओपन करता हूँ अपने फ़ोन में। ओपन होने के बाद इसे रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करता हूँ। रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, इसके आपके सामने बहुत सारे गेम्स आ चुके हैं। तो ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे GTA सैन एंड्रियास है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, और असैसिन क्रीड, GTA सैन एंड्रियास, GTA ऑटो, रेजिडेंट एविल, ऐसे सारे GTA ओसिटी, सारे गेम इसके अंदर मिल जाएंगे। अब आप GTA 5 कहाँ से डाउनलोड करोगे, इसका करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना है। सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है GTA 5 और सर्च कर देना है। जैसे आप GTA 5 लिख के सर्च करोगे, ये आपके सामने GTA 5 आ चुका है। ये देखिए, GTA सैन एंड्रियास मोड GTA 5, मतलब कि GTA 5 आपके सामने है। मैं इसे ओपन करके भी दिखाता हूँ कि आप सोचो किसी है तो सैन एंड्रियास है, ये GTA 5 है ना कि सैन एंड्रियास। चलिए ये देखिए, GTA 5 का आप लोगो भी देख सकते हैं इजीली, ये देखिए, और ये GTA 5 आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वो भी मैं बताऊँगा कैसे आप डाउनलोड करोगे। चलिए शुरू करते हैं, नीचे चलते हैं, और नीचे जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपके सामने ऑप्शन आ रहा है APK मोड 21 MB का और OPB 1.76 GB का। अब आपको क्या करना है, पहले APK मोड को, ये जो APK मोड है इसके डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ये APK मोड डाउनलोड हो जाएगा। फिर बचा नीचे OPB,
तो आप ओबीबी पे क्लिक करोगे, जैसे आप ओबीबी पे क्लिक करोगे ये ओबीबी डाउनलोड हो जाएगा। ओबीबी डाउनलोड होने के बाद आप अपने, अभी थोड़ा ये डाउनलोड होने लगा है तो मैं अभी आपको दिखा देता, पर इतना मेरे पास 1.76 GB नहीं है, वरना आपको डाउनलोड करके चला के भी दिखा देता। चलिए मैं एक काम करता हूँ, वीडियो को पॉज करता हूँ और इस GTA को डाउनलोड करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। चलिए मैं इसे पॉज करता हूँ एक मिनट वीडियो को। अभी आपने देखा GTA 5 गेम मेरे फ़ोन में चलता है, इस तरह से आप भी डाउनलोड कर सकते हो और चला सकते हैं। और अभी तक आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करें, अगला वीडियो किस चीज़ के लिए बनाओ उसके लिए कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब सबसे पहले करें। थैंक यू।